फ्रेंड्स, एक बार फिर से हुंडई अपनी पुरानी कार क्रेटा को नए अपडेट के साथ मार्केट में लॉन्च करने जा रही है। इसके पहले बिफोर पेंडेमिक हुंडई ने क्रेटा का फेसलिफ्ट वर्जन इंडिया में लॉन्च किया था एंड नाउ दे आर गोइंग टू प्रेजेंट क्रेटा इन न्यू अवतार। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नूरैन आजाद एंड टेक्नोलॉजी माफिया में आपका हमेशा की तरह स्वागत है। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए बात करते हैं 2023 में लॉन्च होने वाली हुंडई की क्रेटा फेसलिफ्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, ऑलरेडी क्रेटा फेसलिफ्ट को दूसरी कंट्रीज में लॉन्च कर दिया गया है, जिसे अगर आप देखें तो इस कार के एक्सटीरियर, इंटीरियर एंड सेफ्टी फीचर को पहले से बेटर बनाने की कोशिश की गई है। साथ ही इस कार में ब्लूलिंक की कनेक्टिविटी भी दी गई है, जिसके थ्रू आप अपने मोबाइल से ही इस कार की एसी को ऑन एंड ऑफ, लोकेशन ट्रेस एंड डोर को लॉक एंड अनलॉक कर सकते हैं। बात करें इस कार के एक्सटीरियर के बारे में, तो इस कार का जो एक्सटीरियर है वो कहीं नहीं तो कहीं आपको टूसोन से इंस्पायर लगेगा। फ्रंट से अगर आप इस कार को देखते हैं तो इस कार की जो पैरामेट्रिक ग्रिल है वो 100% टूसोन से ही उठाई गई है। वही ग्रिल के दोनों बाजू आपको इंटीग्रेटेड एलईडी डीआरएल लैंप देखने को मिलेगा और डीआरएल लैंप के नीचे देखें तो वहां पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प विद इंटीग्रेटेड इंडिकेटर लैम्प देखने को मिलेगा। और अगर आपकी नजर इस कार के बैक साइड पे जाती है तो इस कार का जो टिल लैंप है वो भी आपको चेंज मिलने वाला है। सो बेसिकली इस कार की जो लाइटें है वो 100% आपको चेंज मिलने वाली है। फेसलिफ्ट क्रेटा का जो व्हील बेस है वो 2610 mm, वहीं जो इसका लेंथ है वो 4315 mm, विड्थ 1790 mm और जो इस कार की हाइट है वो 1630 mm होने वाली है। साथ ही इस कार में आपको 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस एंड 433 लीटर का बूट स्पेस मिलने वाला है। सो बेसिकली इस कार के डायमेंशन में चेंज नहीं किया गया है एक्सेप्ट ग्राउंड क्लियरेंस। न्यू क्रेटा में 17 इंच के अलॉय व्हील लगाए गए हैं पहले की तरह। साथ ही इस कार के चारों पहियों में डिस्क ब्रेक लगाया गया है, सो ये एक अच्छी बात है। इस कार के साइड प्रोफाइल में देखें तो क्रोम फिनिश डोर हैंडल विथ रिक्वेस्ट सेंसर, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ORVM विथ टर्न इंडिकेटर। रूफ पे देखें तो शार्फिन अल्टीना के अलावा इस कार में आपको पैनारोमिक सनरूफ में मिलने वाला है। सो अब चलती हुई कार में सनरूफ से आप अपना सर निकाल के ठंडी ठंडी हवाओं का मजा भी ले सकते हैं। कहानी इस कार के इंटीरियर की, तो इस कार का जो इंटीरियर है वो भी आपको पहले से लिटिल बिट चेंज मिलने वाला है। इस कार के डैशबोर्ड पे आपको 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जो कि एंड्रॉइड ऑटो सपोर्ट करने के साथ साथ एप्पल कारप्ले भी सपोर्ट करेगा। वहीं टच स्क्रीन के बाजू में देखें तो वहां पे आपको 10.25 इंच का फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिलने वाला है। साथ ही इस कार के स्टेयरिंग पे राइट साइड में आपको क्रूज कंट्रोल एंड लेफ्ट साइड में आपको ऑडियो कंट्रोल मिलेगा। और अगर आप चाहे तो इस कार की स्टेयरिंग को आप टिल्ड एंड टेलीस्कोपली एडजस्ट भी कर सकते हैं। फ्रंट की रो में 2 वेंटिलेटेड सीट एंड बैक साइड की रो में 3 सीट, दैट मींस टोटल 5 सीटर कार होने वाली है। साथ ही इस कार की ड्राइवर वाली सीट को आप इलेक्ट्रॉनिकली अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं। एंड इस कार की जो सीट है वो लेदर फिनिश में आपको मिलने वाली है और आपके कंफर्ट को मद्देनजर रखते हुए इस कार के सारे सीटों में हेडरेस्ट भी लगाया गया है। लेग रूम, नी रूम एंड हेड रूम आपको बहुत अच्छा तो नहीं बट ठीक ठाक मिलने वाला है। फ्रंट में 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट, USB पॉइंट एंड बैक साइड में भी USB पॉइंट अवेलेबल होने वाला है। अपार्ट फ्रॉम इट, इस कार में आपको कीलेस एंट्री, एयर प्यूरिफायर, एम्बिएंट लाइटिंग, बूस्ट के 6 स्पीकर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पुश स्टार्ट एंड स्टॉप के बटन के अलावा इस कार में आपको वायरलेस फोन चार्जिंग का ऑप्शन भी उपलब्ध किया गया है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट इंजन स्पेसिफिकेशन ऑफ न्यू क्रेटा, सो बेसिकली जो 3 इंजन हमें पहले इस कार के साथ मिला करते थे वही अभी भी मिला करेंगे। सो पहला इंजन इस कार में 1.5 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलने वाला है, जो कि आपको 115 PS की पावर एंड 144 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। साथ ही ये आपको 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड CVT गियरबॉक्स के साथ आने वाला है। दूसरा इंजन जिसके साथ आप इस कार को परचेज कर सकते हैं वो है 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन,
जो कि आपको 140 PS की पावर एंड 242 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा एंड ये इंजन आपको 7 स्पीड DTC गियरबॉक्स के साथ आने वाला है। तीसरा और आखिरी इंजन जिसके साथ इस कार को आप परचेज कर सकते हैं वो है 1.5 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन जो कि आपको 115 PS की पावर एंड 242 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा एंड ये इंजन आपको 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ आने वाला है। अब यहाँ अगर हम बात करें कि न्यू क्रेटा में किन किन टाइप के सेफ्टी फीचर्स मिलने वाले हैं तो पहला सेफ्टी फीचर इस कार के टॉप मॉडल में 6 एयर बैग, दूसरा ABS विथ EDP, तीसरा टायर प्रेशर मॉनिटर, चौथा हिल्ड होल्ड असिस्ट, पांचवा 360 डिग्री कैमरा विद पार्किंग सेंसर एंड इन सबसे बढ़के इस कार में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल प्रोग्राम का फीचर भी मिलने वाला है। साथ ही इस कार में अडास का नया सेफ्टी फीचर ऐड किया गया है एंड अडास फीचर के अंतर्गत इस कार में लाइन कीप असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट कोलोजन वार्निंग एंड अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर आपको उपलब्ध होने वाले हैं। अब अगर एट द एंड हम इस कार के लॉन्चिंग डेट, टॉप स्पीड, प्राइस, राइवल कार एंड कलर अवेलेबिलिटी के बारे में बात करें तो इस कार को 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में लॉन्च कर दिया जाएगा एंड इस कार की जो टॉप स्पीड है वो 170 किलोमीटर होने वाली है एंड साथ ही इस कार का जो प्राइस है वो 10.5 लाख से लेकर के 18 लाख के बीच में होने वाला है। फेसलिफ्ट क्रेटा को आप 7 सिंगल टोन कलर रेड, ब्लैक, सिल्वर, बीच ब्लू, ग्रे, व्हाइट, साथ ही 3 डबल टोन कलर ऑप्शन सिल्वर, रेड एंड व्हाइट के साथ परचेज कर सकते हैं। साथ ही होंडाई की न्यू क्रिएटा कम्पीट करेगी किया के सेल्टोस, स्कोडा के कुशक, टाटा के हेरियर, फॉक्सवैगन के टाइगन, निसान के किक्स, MG के आस्टर एंड मारुति सुजुकी के एस क्रॉस के साथ। सो फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है इस कार को लेकर के मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक का बटन तो प्रेस कीजिएगा ही और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आप कार, बाइक, इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट vehiclesmafia.com पे विजिट करके वहाँ इनके बारे में आर्टिकल पढ़ सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है एंड फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Have a nice day. God bless you.